हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, हमारी ऐप पर, न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। ठीक है, हम बात करते हैं सीटेट के बारे में, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है, आपका जनवरी में है। 21 जनवरी 2024 में आपका एग्जाम है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म फिल हो रहे हैं, उसी के ऊपर आज हम बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं बेसिक फॉर्म की। ठीक है, तो जो आपका ये फॉर्म है, ये आपके ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ये है आपका 3 तारीख से आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 3/11 से लेकर 23/11 तक ये आपका फॉर्म फिल किया जाएगा 2023 तक। ठीक है, लास्ट डेट है आपकी 23 तारीख, रात को 12 बजे से पहले पहले आपको फिल करना है अपना फॉर्म। ठीक है, और एक डेट ऑफ एग्जाम भी इन्होंने दे रखी है, 21 जनवरी 2024 को इसका एग्जाम इस बार लिया जाएगा। मोड ऑफलाइन मोड होगा, क्योंकि ऑनलाइन इतनी सारी सिटी में 135 सिटीज है, 20 लैंग्वेज है, पॉसिबल नहीं हो पाता है सीबीएसई के लिए भी। तो इस बार भी पेपर जो है वो आपका ऑफलाइन मोड पे ही होगा। आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में और देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, हमारी ऐप पे ये कोर्स कैसे अवेलेबल है वो आपको सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो ये फॉर्म है, इसका जो प्राइस है वो है आपका 1000 का। कितने का? 1000 का। जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म है आपका 1000 का, और बोथ पेपर अगर आप भरते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपने फिल करने हैं, तो ये कोर्स है आप, ये जो पेपर की फीस है आपकी है 1200 रुपये, और ओबीसी और जनरल की दोनों की 1000 है, एससी एसटी की है आपकी 500 और 600 रुपये, अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं एक ही फॉर्म में। आपका अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो एक ही फॉर्म ही फिल होगा, अलग अलग फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप कर भी देते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा, साफ साफ ये बात लिखी हुई है। ठीक है, कंफर्मेशन पेज आपने डाउनलोड करना है, फोटोज वगैरह सब कुछ इसमें करेक्शन, आपका जो करेक्शन पोर्टल है यानी कि विंडो है वो ओपन तो होगी, बट उसमें मैं आपको एक चीज कंफर्म करती हूँ, उसमें आपका सिटी चेंज नहीं होगी। आप अपनी फोटो चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, जो भी करेक्शन है वो कर सकते हैं अपने करेक्शन मोड पे, बट आप अपनी सिटी चेंज नहीं कर सकते हैं, ये बात इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो जो करेक्शन है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 28 नवंबर से, और आपकी 2 दिसंबर तक ये चलेगी। इसमें आप अपनी करेक्शन कर सकते हैं सिर्फ सिटी को छोड़कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड सब ये वेबसाइट दे रखी है, वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आपके कुछ ही दिन रह गए हैं इस फॉर्म को आप फिल करने के लिए, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी ये नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, आप इसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से। इसमें दे रखा है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर 1। हाँ, इस बार एक चेंजेस इसमें दे रखा है कि जो पेपर 1 है उसका जो टाइमिंग है वो है आपका शाम का, यानी कि 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का, और जो पेपर 2 है वो आपका इस बार मॉर्निंग में है, 9:30 पे आपका स्टार्ट है। पहले हमेशा पेपर 1 होता था, पेपर 2 बाद में होता था, बट इस बार थोड़ी सी ये चेंजेस करी गई है। चलिए, ये तो बात हुई हमारी नोटिफिकेशन को लेकर, अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ सिलेबस के बारे में। ठीक है, पैटर्न के बारे में, जो भी बच्चे नए हैं, जो जेबीटी अभी अपनी डाइट कर रहे हैं, जेबीटी कर रहे हैं, जो भी टीचर बनना चाहते हैं डीएसएसबी में या अदर स्टेट में भी, तो उनके लिए जो यूटी, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरीज है, तो सीटेट कई सारे हमारे यूनियन टेरिटरीज में भी चलता है। तो सीटेट जो फर्स्ट टाइम अटेंड करने जा रहे हैं, पहली बात तो ये बता दी जाए, पेपर 1 के लिए, पेपर 1 का सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। पेपर 1 देखिए, इसमें सिलेबस में कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, जो 2024 का पेपर 1 है इसमें कुछ भी सिलेबस में चेंजेस नहीं है। पहला आपका सीडीपी है, जो है आपका 30 मार्क्स का। ईवीएस है, 30 मार्क्स की है। मैथमेटिक्स है, ये भी आपका 30 मार्क्स का है। इंग्लिश है, ये भी आपकी 30 मार्क्स की है। और फिर हिंदी है,
ये भी आपकी 30 मार्क्स की है। टोटल पेपर जो है आपका 150 मार्क्स का पेपर है। नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग अभी तक ऐसा नहीं कोई रूल है कि नेगेटिव मार्किंग है। क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाई पेपर है यानी कि जो आपका पेपर क्वालिफाई है वो होगा आपका 90 पे जनरल का, और ओबीसी के लिए है ये 82। ये क्वालिफाई पेपर है, इसमें कोई मेरिट नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा नंबर लेकर आने हैं, बट आपका टारगेट 90 नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट 130+ में ही रहना चाहिए, तब आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, कैसे स्कोर करेंगे आप? आप हमारी ऐप पे भी जा सकते हैं, न्यू लक्ष्य अकेडमी की ऐप है, वहां पर ये कोर्स आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। आप एक बार विजिट करिए, डाउनलोड करिए और वहां से अपना जो कोर्स है उसको परचेज करिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। ठीक है, ये तो हमने बात करी पेपर 1 की। अच्छा, वैलिडिटी की बात करूं, पहले 7 ईयर के लिए वैलिड होता था, बट अब ये वैलिडिटी खत्म कर दी गई है। लाइफ टाइम के लिए आप एक ही सीटेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है कि अब आपको 7 साल बाद दोबारा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। पेपर 2 की बात कर लेते हैं हम। पेपर 2 का सिलेबस, पेपर 2 वही है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट, 30 मार्क्स। इसमें 30 मार्क्स के आपके थ्योरी से, सिलेबस से, आपके चैप्टर्स है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं वहां से क्वेश्चन, और प्लस आपका पैडा जो है 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इसमें पैडागोजी के रहते ही रहते हैं। ठीक है, और बात करें हिंदी, 30 क्वेश्चन है उसके भी, 30 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, आपका 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें भी सेम है, इसमें 2 पैसेज आएंगे आपके। ठीक है, 2 आपके पैसेज हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके पैडागोजी के क्वेश्चन है। इंग्लिश है इसमें भी 30 मार्क्स की, 30 मार्क्स इंग्लिश में भी, आपके 2 पैसेज हैं सेम हिंदी की तरह ही, और बाकी क्वेश्चन आपके पैडा के हैं। ये क्वेश्चन 90 मार्क्स का आपका ये हो गया, और 60 मार्क्स का हो गया आपका अपना सब्जेक्ट जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, जो आपने बीएड में कर रखा है, चाहे वो SST है, इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, वो आपका अपना सब्जेक्ट हो गया। तो आप अपनी तैयारी इस तरीके से रखिए कि आप इसमें भी 130+ लेकर आए। प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन हम खुद करवाएंगे आपको। ठीक है, हमारे चैनल के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वो सारे प्रीवियस ईयर हम आपको चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। ये हो गया पेपर 2 की बात। ठीक है, एज लिमिट कोई नहीं है सीटेट के लिए, कोई लास्ट 30, 32 ऐसा कुछ नहीं है, नो एज क्राइटेरिया है, बिल्कुल कोई भी इसको दे सकता है, नो एज, कोई भी एज इसमें नहीं है। तो ये सीटेट की बात हो रही थी आज। इसी तरीके से एचटेट, बच्चे कुछ बच्चे एचटेट के लिए भी डिमांड कर रहे थे, वो भी कोर्स हमारी ऐप पे अवेलेबल है, आप हमारी ऐप पे जाइए और वहां से वो कोर्स परचेज कर लीजिए। तो सीटेट 2024 आपको क्लियर करना है, जो भी क्वेरी हो आप मैसेज छोड़ सकते हैं और ऐप पे जाकर अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।